अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी YouTube की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बाद के हंसते रहे मुस्कुराते रहे इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं रेसिपी का आगाज। माह रजब के महीने में बनने वाली मजेदार सी मीठी टिक्की। मीठी टिक्की किस तरह से बनाई जाती है, खस्ता तरारी से आप ये देखिए कितनी जबरदस्त सी ये देखें बनिए। आप इसके ऊपर क्रैक देख रहे हैं कितने जबरदस्त से हैं और खाने में इतनी मजेदार, और ये देखिए और इतनी सॉफ्ट है, ये देखें कितनी जबरदस्त। किस तरह से बनाई गई ये रेसिपी चले किचन क्लोजअप में वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मिल्लाह हमारे माह रजब के महीने में बनने वाली मजेदार सी मीठी टिक्कियां या मीठी पूरियां किस तरह से बनाई जाती हैं और कैसे खस्ता बनती है, करारी बनती है और बिखरेंगी भी नहीं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप शानदार सी परफेक्ट सी मीठी टिक्कियां बना सकते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है। 2 कप मैदे में डाल देंगे हम 1/2 कप सूजी के, और इसके साथ साथ मैंने चीनी ली थी 1 कप, उसके अंदर 6 से 7 अदद इलायचियां डाल के उसका इस तरह करके देखें पाउडर सा बना लिया। ये देखें 1 कप चीनी इसके अंदर डाल देंगे। मीठा अगर आप थोड़ा तेज पसंद करते हैं थोड़ा तेज डाल दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कप। 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम तेल के डाल देंगे। अब सारे ड्राई इंग्रीडियंट को अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। इसके अंदर ये देखिए 1/2 कप मेल्टेड घी ये डाल देंगे। देसी घी मैंने डाला है, आप चाहे तो दूसरा घी भी डाल सकते हैं। तेल मत डालिएगा, घी डालिएगा। ये देखिए अच्छे से घी को हमने मैदे के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 1 अदद अंडा इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें सारी चीजों को हमने खूब अच्छे से आपस में इस तरह करके मिक्स करना है। ये देखें हथेली पे रख के इस तरह करके खूब अच्छे से मिक्स करिए। सबसे इसकी मेन जो टिप है वो यही है कि सारी चीजों को अच्छे से आपस में कंबाइन करना है। जब ये इस तरह करके कंबाइन हो जाएगा तो इसके अंदर गुनगुना मिल्क लिया है थोड़ा सा डालना है हमने, बस इसकी डो सी बना लेनी, दूध आपने बस उसी हिसाब से डालना है। देखिए जो हथेली होती है हमारी, इस साइड से हमने इसको अच्छे से आपस में भूनना है इस तरह करके। ये देखिए और डो हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत थोड़ा सा दूध डाला था, कोई 4 टेबल स्पून के लगभग होगा। और ये देखिए इसके अंदर पूरा बराबर का आ गया। चले अब हमने इसको बेल लेना है, इसकी टिक्कियां बना लेनी है। सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा मैदा इस तरह करके डस्ट कर लेते हैं और इसको हमने बेल लेना है। मीठी टिक्की को जिसमें हमने फ्राई करना है वो होगा घी। घी मैंने लिया है, कोई आपने इतना लेने लगा कि इसको डीप फ्राई करना है। अब फ्राई पैन में मैंने डाल दिया और हल्की आंच पे रख दिया कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम टिक्कियां बना रहे हैं। ये देखिए हमने इसकी जो मोटाई है वो इतनी रखनी है, ज्यादा हमने इन टिक्कियों को पतला नहीं कर लेना, इतनी करनी है। और एक गिलास ले लिया मैंने स्टील का, उसकी मदद से मैंने इस तरह करके देखे कट बना लिया। साथ साथ बनाते जाते हैं और घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसे फ्राई कर ये देखिए टिक्कियों का एक बैच तो मैंने निकाल लिया, अब दूसरी डाली है। हमने टिक्कियां इतनी डालनी होंगी कि खुली खुली इसके अंदर आराम से फ्राई हो जाए, एकदम से ज्यादा सी आपने डाल देनी। और जब ये नीचे से अच्छी से हमारा कलर पकड़ ले फिर इसकी साइड को आपने टर्न करने। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें, टिक्कियां बन जाएंगी फैंटास्टिक।
देखा आपने कितने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए जबरदस्त सी, खस्ता करारी सी और मजेदार सी हमने बना ली है मीठी टिक्कियां, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। आपने देखा है वीडियो रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए वीडियो को आपसे इजाजत चाहूंगी। फैरकी का तो हमें रखेगा अदा।